जाम और अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन नगरपालिका हाथरस के साथ साथ मिलकर युद्ध स्तर पर शहर में चलाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान। पुलिस प्रशासन और नगरपालिका हाथरस के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर शहर के व्यापारियों के साथ की मीटिंग। जी हां, आपको बता दें कि शहर में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर अवैध रूप से किए जाने के लिए अतिक्रमण से शहर की जनता को जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण और जाम की समस्या को लेकर हाथरस नगरपालिका और पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मंगलवार से शहर में युद्ध स्तर पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का फैसला लिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने से पहले हाथरस नगरपालिका के अधिकारियों ने अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ वर्मा के साथ शहर के अलीगढ़ रोड स्थित शिल्पा गेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें व्यापारियों से स्वयं ही अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग करते हुए शहर के व्यापारियों से सुझाव भी मांगे गए। सर, अभी आपके द्वारा जिले के समस्त व्यापारियों के साथ मीटिंग की गई, क्या उद्देश्य रहा इस मीटिंग में? देखिए, हाथरस जिले के अंदर में जो हाथरस सिटी है वहाँ पर अतिक्रमण की और यातायात के ट्रैफिक जाम की बहुत समस्या काफ़ी समय से चली आ रही है, तो इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पे यहाँ पर एक गोष्ठी बुलाई गई, जिसमें जो भी शॉपकीपर्स हैं जिनके द्वारा अतिक्रमण किए जाने की संभावना रहती है, जो अतिक्रमण कर रहे हैं इस वक्त, उनको एक बुला करके मीटिंग में बातें बताई गई हैं। और कल से हमारा अभियान चूँकि इसमें चलना है, तो इसमें चिन्हांकन नगर पालिका द्वारा कर दिया जाएगा कि जो भी दुकानें नाली के बाहर हैं या बाहर लगी हुई हैं, स्वतः अपनी दुकानें हटा लेंगे और उसके बाद इस पर हम इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करा करके और ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। कार्रवाई के बाद भी अगर कोई व्यापारी अतिक्रमण नहीं हटाता, उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जाए? देखिए, उसके खिलाफ जो भी प्रावधान हमारे पास हैं, जो भी नगर पालिका द्वारा जुर्माना किया जाने का प्रावधान है, उनके अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, तो उनकी जो भी शॉपकीपर्स के सामान है उसको जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें सभी चीज़ें इनको बता दी गई हैं और हमें उम्मीद है और आशा है कि हमें जनता से पूरा सहयोग मिलेगा और हम बहुत जल्द इस हाथरस को जाम मुक्त करने के लिए आगे अग्रसर होंगे।